वाहे गुरु जी वाहे गुरु 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 जी 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 वाहे गुरु 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 जी 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 वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 जाता प्रेम खेलन का चाओ ज्यों तो प्रेम खिलन का चाओ ज्यों तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली इत मार्ग पैर तरी जै इत मार्ग पैर तरी जै सिर दी जै
गगन दमामा बाजियों गगन दमामा बाजियों पर्योनिसाने काओ खेत जुमा सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचानिए पहला मरण कबूल पहला मरण कबूल
ज्यों तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तेरी जय सिर दीजे कान ना कीजे। सत्संग जी ओ असी बाणी ते जदों पढ़ते हाँ बड़ी जोश ना पढ़ते हाँ
सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गढ़ी दे विच लखां दी तादाद दे अंदर मुगलां ने जो घेरा पाया होया है, युद्ध हो रहा है। इधर गुरु दे लाल बाबा जी सिंह बाबा जुझार सिंह पांच पांच सिंघां दा जथा लैके जो मैदाने जंग दे अंदर जूझ रहे हैं। उधर अज दे दिन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह सूबे की कचहरी के अंदर जो उन्होंने सवाल जवाब हो रहे हैं, शहीदी जामा पाया है उन्होंने, नीहां विच चुने जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने हौसले जड़े हल बुलंद हैं। पता है कि शहीदी हो जानी है, सूबे ने इस कोई रियायत नहीं बख्श वर्तनी, फिर भी अडोल नीहां दे विच खड़े जकारे ला रहे हैं, उस दशमेश पिता दे गुण गा रहे हैं। साध संगत जीओ, असी कदी अपने अंदर झात मार के देखिए, मुगल राज इतना वड्डा, पूरी सल्तनत हिंदुस्तान दी एक साइड गुरु गोबिंद सिंह दे नाल 40 सिंह साहबजादे छोटे साहबजादे नीहां चिणे जा रहे हैं। उन्हां नू कोई ये नहीं है आस भी साहबजादे छोटे बाबा जीत सिंह बाबा जुझार सिंह जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह कि किसी की हैल्प आनी है, सानू कोई बचा के थल जाएगा। उन्होंने पता है कि शहीद होना ही होना है, फिर भी किसी चीज़ ना कंप्रोमाइज नहीं किया। क्यों क्यों कंप्रोमाइज नहीं किया? अज तो साढ़े अगे थोड़ी जी कोई मुश्किल आ जाए, असी कहने इन्नी वड्डी ताकत है, इन्हें असी किदा मुकाबला कर सकते हाँ? असी कोशिश होंदी है साड़ी कि उहदे नाल कोई कंप्रोमाइज कर लिता जाए, साड़ी जान भी बच जाए, साडे अहुदे भी बचे रहन। पर इत्थे ते गल ही दूजी है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे छोटे साहबजादे सूबे दी कचहरी दे अंदर जो नीहां दे अंदर आप सरहंद जाके दर्शन करते हो, खड़े हैं, बिल्कुल अडोल हैं, कोई डर नहीं है उन्हां च। साध संगत जीओ, एक बहाव हुंदा है नदी का, जिधर नू बहाव हुंदा है उधर नू सारी दुनिया तुर पैंदी है, पर उस बहाव नू कटदे हुए उहदे अगेंस्ट उहदे एंटी चलना जुड़ा है, वह सारे तो औखा है। अज असी किसी चीज़ ना भी कंप्रोमाइज करके बैठ जाने हाँ कि इन्नी वड्डियां ताकतां हैं, इन्नी वड्डी सल्तनत है, इन्ना इन्हां दा राज है, असी किदां मुकाबला कर सकते हैं? जे असी अज साहबजादियां दी शहीदी मनाते हाँ तो अंदर एक विचार जरूर किया जाए, जिथे कोई गुरु घर के हित की गल हो ना, वह बेशक एंटी होकर जाना पवे सानू, बेशक सरकारां जिन्नियां मर्जी वड्डियां होण, जिन्नी मर्जी पावरफुल होण, पर गुरु दे सिख दा जो फर्ज है वह ये नहीं कि जिधर नू सारे तुरे जान रहे हैं उधर नू तुर पईए। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की चाहते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सी? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू जो 10 लाख का घेरा पिया होया है, नज़र आता है कि सामने 10 लाख फौज है, इतने कुछ सिंह हैं, उत्थे भी कंप्रोमाइज़ हो सकता सीगा कि साड़ियाँ 4 शर्तां तुसी मान लो, 4 ताड़ियाँ असी मान लाँगे, तो साहबजादियां दी जाना बच जाणगियां, सिंघां दियां जाना बच जाणगियां, पर उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पर अज असी अपने सिद्धांतां दे उत्ते खरे नहीं, अज असी किसी चीज़ नूं भी लैके कंप्रोमाइज़ एक मिनट च कर लैंदे हाँ कि असी कोई गल नहीं, साडा अपना कोई नुकसान ना हो जाए। ये दिन बनाए साढ़े ताइयों सफले हैं, गुरु के उपदेश नू जो मकसद है साडा, गुरु के उपदेश नू कमाना, गुरु सानू जो कहता है उन्हों भला करके मनना है,
जो गुरबाणी सानू कहती है उन्होंने खड़े मथे अपनाना है। असी मत्था टेकते हाँ रोज़ गुरु महाराज के चरणों के अंदर मत्था टेकते हाँ। सतसंग जी मेरी गल बुरी लग सकती किसी माफ़ी चाहवागा। असी गुरु अगे मत्था टेकते हाँ। मत्था टेकने का मतलब होंगे कि यह मत गुरु महाराज थोड़ी है, तुसी जिदा चलाओगे असी उदा चलना है। जे असी कितने अपना माता पिता के पैरियां थलाने ना वह मतलब ये होंगे कि पिता जी थोड़ी आग्या के नाल ही चलोंगे असी। जे अज गुरु के अगे मत्था टेकते हाँ गुरु कहता है कि तेरे केस है, केसा की संभाल करनी है। गुरु अगे मत्था टेकते हैं केसा की संभाल नहीं करनी, दाता मत्था एक बार होर टेक देंगे। केस जाके कतल कराया उन्हें असी, गुरु कहता लै तू कतल करा के आया तेरे फिर बधा देने हैं। वो फिर दड़ा प्रकाश होना शुरू हो जाता है। जो माड़े जे केस होर आते हैं महाराज कहते लै तू कटा के आया से मैं तेन फिर दे दते। असी कहने नहीं दाता इन फिर कटाए होना असी। अकाल पुरख फिर केस दिता है, फिर जाए कटाया उन्हें मत्था टेकते हाँ। सतसंग जी मत्था नहीं टेकते, मत्था लाते हैं। गुरु के उपदेश नहीं कमाते। गुरु कहता तेरा दड़ा प्रकाश है चिट्टा हो गया है। असं कहने दाता नहीं एक काला ही ठीक है। केस साढ़े चिट्टे होने लग पे आ पर असं कहने नहीं दाता मत्था तेन टेकना आ पर केस रंगने जरूर आ। सतसंग जी असं मत्था नहीं टेकते, बुरी लगी दी होगी किसी गल पर सच की कचहरी है। सच के अंदर सच बोलना लाजमी है। असी गुरु अगे मत्था नहीं टेकते, गुरु ना मत्था ला बैठते हाँ कि महाराज तू करके देख कि चिट्टे करेगा इस काले करके तू दिखाने दिखाने। सतसंग जी जिनी देर असी गुरु का हुक्म नहीं मनिया ना, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कई कहें साडा मन साफ है सानू अमृत छकन की लोड़ कोई नहीं, तो अज से पुछ के देखिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तुहाडा अमृत मन साफ नहीं सी। आप अकाल पुरख की जोत महाराज कहते हैं मैं उहदा पुत्र हाँ। जे पुत्र जिदा का स्वरूप पुत्र का प्यो का होंदा है पुत्र का भी उदा का होंदा है। जे असी अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अपना पिता समझते हाँ, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं अपना भरा समझते हैं वड्डा, तो असी अपनी शकल जो है अपने प्यो नाल मिला के देख लीए, अपनी शकल अपने भरावां नाल मिला के देख लीए की मिलती है। सतसंग जीओ कहना बड़ा सौखा है बाणी ते जो चलता है ताहीं गुरु का प्यार मिलता है। असी जितने मर्जी कीर्तन दरबार कर लीए, जिन्ने मर्जी लंगर लगा लीए, जिन्ने मर्जी स्टेजों खड़े होकर स्पीचा दे लीए, कोई लाभ नहीं जिनी देर गुरु के उपदेश ने नहीं कमाया। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंजां प्यारियों को खंडे बाटी की पौल लही तो साडा भी फर्ज है। गुरु तो उच्चा मन साडा नहीं, गुरु तो उच्चा दिमाग साडा नहीं। जे गुरु महाराज अमृत की दात पंजा प्यारों को मंग सकते हैं तो असी की चीज़ हाँ। मन साफ जो करना है बाणी ने करना है ताइयो साडे लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले। साढ़े दिन यह मनाए ताही सकारते हैं जे गुरु के उपदेश नूं मना लईए मन लीए। गुरु महाराज अगर मत्था टेकते हाँ इहदा मतलब यह है कि महाराज तुहाडी जिहड़ी बाणी है ना धुरों की बाणी आई तिन सगन दी चिंत मिटाई, ये धुर की जिहड़ी बाणी है इहनां नूं असी मत्था टेकते हाँ। गुरु का जो उपदेश है इहनूं साडा कमाउणा साडा फर्ज बणदा है। सतसंग जीओ हो सकता है कि मैं कुछ बोलता होया कोई गलत बोल गया होवां, आप सतसंग जो बख्शन योग हो बख्श लैना, गुरु महाराज बख्शन योग बख्श लैना। पर इतना जरूर कहांगा जे गुरु नूं मत्था जरूर टेको, गुरु ना मत्था नहीं लाउणा आपां ताहीओ साडा जीवन लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। इन्नियां बेनतियां प्रवान करना जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।